हाय एवरीवन, दिस इज़ योर सौरभ एंड वेलकम अगेन टू अवर चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। सो गाइस, आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आपके लिए एक एक्सक्लूसिव चीज़ लेके आए हैं, एक कोठी लेके आए हैं सेक्टर में, नोएडा में सेक्टर रहने वाला है, सेक्टर 100। बहुत ही पॉश लोकेलिटी है, 10 मिनट लगते हैं यहाँ कनेक्ट करने में दिल्ली से। अगर मैं सामने की रोड की भी बात करूँ, काफ़ी वाइड आपको रोड मिलता है, एक साइड गेट मिलता है तो गेटेड पूरी ये सेक्टर रहने वाला है, और इस गेट के जस्ट बगल में आपको पाथवे इंटरनेशनल स्कूल मिलता है, और दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो काफ़ी खुला हुआ सारा एरिया आपको मिलता है दिल्ली के नज़दीक। सो गाइस, इस कोठी में जो आपको पूरा बिल्डअप एरिया मिलता है, दैट इज़ समवेयर अराउंड 5500 स्क्वायर फिट, काफ़ी ह्यूज एरिया है, और इसमें जो ओनर हैं उन्होंने पूरा फर्निश करवा रखा है। इसमें थिएटर है, इसमें जिम है, बहुत सारे मल्टीपल बेडरूम्स हैं, अच्छा काम करवा के दे रखा है। फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर जो है वो डुप्लेक्स है। तो सीधे चलते हैं और आपको दिखाते सारी चीज़ें। मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर आपको पार्किंग मिलती है, सर्वेंट क्वार्टर मिलता है, थिएटर मिलता है, जिम मिलता है, और फ्लोर वाइज डेवलपमेंट्स मिलती हैं, अलग अलग बेडरूम, और ऊपर टेरेस मिलता है। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको कोठी। पहले मैं आपको पार्किंग एरिया दिखाता हूं, फिर बेसमेंट में चलेंगे और क्या क्या एमिनिटीज बेसमेंट में आपको बिल्डर देते हैं वो दिखाएंगे। सो गाइस, दिस इज ह्यूज पार्किंग एरिया, 4 गाड़ियां, SUV भी आप यहां पे इजीली खड़ी कर सकते हैं। जो भी आप काम देख रहे हैं सारा कंप्लीट आपको ये मिलता है फ्रॉम द बिल्डर साइड। इसमें आपको सब कुछ मिलता है, वेदर इट इज़ योर फर्निशिंग, आपका जो काम हुआ है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। दिस विल बी द सर्वेंट क्वार्टर, ये सर्वेंट क्वार्टर रहने वाले हैं। सो गाइस, 2 एंट्री आपको मिलती हैं कोठी के अंदर जाने के लिए। एक जस्ट यहाँ पे मिलती है, आप सीधा पार्किंग में एंट्री कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से, और दूसरी जिससे अभी हमने सामने एंट्री ली थी वो वाली आपको मिलती है। अब लेके चलते हैं आपको बेसमेंट में। बेसमेंट में सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये रहने वाली है कि उसमें आपको जिमनेजियम एंड थिएटर मिलता है, तो चलिए वो देखते हैं। सो गाइस, जो एंट्रेंस गेट रहने वाला है वो मोर देन 8 फीट आपको मिलता है, और सारा का सारा काम, वेदर इट इज़ लाइटनिंग, आपका टफन ग्लास लगा हुआ है, SS की रेलिंग लगी हुई है, लाइट्स लगी हुई है, ये सब आपको हुआ है मिलता है फ्रॉम द बिल्डर साइड। सो दिस इज़ द बेसमेंट गाइस, अब हम बेसमेंट में आ गए हैं। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे ये थिएटर मिलता है और मेरे पीछे जिमनेजियम मिलता है। पहले हम जिमनेजियम देखते हैं। एक लैविश लिविंग रहने वाली है गाइस ये पूरी की पूरी। आपको बेसिकली नोएडा में आप देखते हैं बहुत सारे हाई राइज प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसमें आपको जिमनेजियम जो है वो उसके क्लब हाउस में मिलता है, या आपका पर्सनल जिम रहने वाला है। और आप इस वीडियो में जो भी कुछ देख रहे हैं ये सब कुछ आपको जो ओनर हैं प्रॉपर्टी के वो सब कुछ ऐसे का ऐसा देने वाले हैं, वेदर इट इज़ योर फर्निशिंग और इक्विपमेंट्स और एनीथिंग। सो गाइस, इसमें आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है सामने की तरफ। दिस इज अ वॉशरूम। अब देखते हैं इसका थिएटर और पेंट्री। सो गाइस, बेसमेंट में अब अभी हैं, हमने आपको जिमनेजियम दिखाया, अब दिखाते हैं आपको थिएटर। सामने आपको पेंट्री भी मिल जाती है यहीं पे। तो आइए गाइस, अब आपको थिएटर दिखाते हैं। 6 सिटिंग का एक ये प्रॉपर थिएटर आपको मिलता है, ये भी आपको प्रोवाइडेड है विद द कॉस्ट ऑफ द कोठी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। एक बार आपको मैं लाइट जला के भी लुक देने वाला हूँ कि कैसा पूरा एक लाइट के साथ फील आती है। अगर आप मूवी देखते हैं तो दिस विल बी योर फील। सो गाइस, ये पूरी लाइट के बाद फील रहती है। आपको मैं बता दूँ, हर रूम में, चाहे वो कोई भी रूम हो या लिविंग हो, ऑलरेडी ACs आर इंस्टॉल्ड। यहाँ पे आप देखेंगे तो थिएटर भी लगा हुआ है, उसके बाद ये काउचेस लगे हुए हैं। इंटीरियर का सारा काम आपको बिल्डर करके देता है। ये ऐसे के ऐसे आपको मिलने वाला है अगर आप ये कोठी खरीदते हैं तो। सो गाइस, हमने अभी आपको बेसमेंट दिखाई, पार्किंग दिखाई, अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 स्टेयरकेसेस मिलती है, एक तो ये बाहर से, और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है डुप्लेक्स रहने वाला है। फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया है, वहां से भी आपको एक स्टेयरकेस मिलती है जिससे आप कनेक्ट करते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो चल के देखते हैं फर्स्ट सेकंड फ्लोर, उसके बाद थर्ड फ्लोर भी है और ऊपर टेरेस भी है, तो सारी चीजें आपको दिखाते हैं। आइए, सांस से चल जाते हैं मेरे को, मोटा हो गया क्या। सो गाइस, दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर। काफी लेविश काम यहाँ पे बिल्डर ने करवाया हुआ है। जो मैं आपको स्टेयरकेस बता रहा था अंदर से, वो ये रहने वाली है।
सामने आप देखेंगे तो बहुत अच्छा किचन का काम आपको मिलता है, पूरा बिल्कुल आपको फ्रॉम द विजिटर साइड मिलता है। यहाँ पर So guys, इसी फ्लोर पे आपको एक बेडरूम भी मिलता है विद अटैच लैग बार, काफी बड़ा साइज रहने वाला है बेडरूम का। पीछे आपको यहाँ पे स्पेस भी मिलती है फॉर योर वेंटिलेशन एंड सनलाइट, और जितना भी आप काम देखेंगे वेदर इट इज योर टीवी पैनल या वार्डरोब्स या इसमें जो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है, बेड्स, एवरीथिंग आपको एक रेट में बिल्डअप प्रोवाइड करने वाला है। हैव अ लुक इन द वॉशरूम, ये अटैच रहने वाला है। वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। भाई जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम से बाहर आते हैं तो एक आपको एक ह्यूज स्टेयरकेस मिलती है जो कि एक डुप्लेक्स की आपको फील देती है फ्रॉम द इनसाइड, जो आपको कनेक्ट करती है फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर। अब आपको दिखाते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर का लिविंग डाइनिंग, जो काफ़ी अच्छा ह्यूज स्पेस आपको मिलता है। ये आपको 5-6 सीटर सोफा ये मिलता है और 3-4 सीटर ये मिलता है, तो एक अच्छा लेविश आपका लिविंग यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। सामने टीवी पैनल है, तो मोस्टली जो वर्क है ऊपर आप देखेंगे तो कैसे एसी लगा हुआ है, तो मोस्टली जो वर्क है पूरी की पूरी कोठी में वो फ्रॉम द बिल्डर साइड किया गया है। यहाँ पे आपको ये एक बालकनी भी मिलती है। सो गाइस एक चीज और रह गई इसी फ्लोर पे, एक आपको आउटर में वॉशरूम भी मिलता है कि आपको कोई गेस्ट आ जाता है तो इस वॉशरूम को वो इजिली यूज कर सकते हैं। दिस इज द वॉशरूम। अब चलते हैं इंटरनल स्टेयर केस से सेकेंड फ्लोर की तरफ और उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस जब आप स्टेयर केस से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एसएस का काम और टफन ग्लास लगा हुआ है, और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिरर वर्क पूरा किया गया है। जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे आते हैं फ्रॉम इंटरनल स्टेयर केस, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल स्टेयर केस भी मिलती है, आप बोथ साइड यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एक अच्छा स्पेस मिलता है, मल्टीपर्पज़ है, चाहे आप इसको बार बना लें, चाहे मंदिर बना लें, चाहे स्टडी बना लें विद एन एसी विद अ कर्टेन, ये पूरा आपको एक क्लोज जो है वो मिलने वाला है। सो गाइस इस फ्लोर पे आपको दो बेडरूम मिलते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट बेडरूम, सेम जैसे नीचे था उसी के जस्ट ऊपर ये बेडरूम है, वही डायमेंशंस हैं, वही सारा काम आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टीवी पैनल, अटैच वॉशरूम, पीछे सारा पैनलिंग का काम, बेड ऊपर आपको फॉल सीलिंग का काम विद लाइट्स, फैन, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द बिल्डर साइड। ये एक USP रहने वाली है इस वाले बेडरूम की कि इसमें एक वॉक इन आपको पूरा का पूरा वार्डरोब मिलता है, जिसमें आपको बहुत अच्छी स्पेस मिलती है, बहुत सारा आप स्टोरेज आपको यहाँ पे कर सकते हैं विद अ डिस्प्ले। अगर आपके बहुत एक्सपेंसिव कोई शूज़ वगैरह हैं तो ईजिली आप वो यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। सो गाइस ये पूरा पीछे के ओपन एरिया रहने वाला है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो गाइस दिस इज द सेकंड बेडरूम, जिसमें आपको फिर से टीवी पैनल, बेड, साइड में वार्डरोब्स, वुडन का सारा वर्क होके मिलता है, और बाहर इसके मिलती है एक काफ़ी लेविश बालकनी जिससे आप अच्छी धूप ले सकते हैं, सनलाइट यहाँ से आ सकती है। और अगर आप देखेंगे तो मिरर का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है पूरे की पूरी कोठी में, सो दैट नेचुरल लाइट जो है वो अंदर आ सके। बाहर भी रेलिंग में आपको SS एंड टफिन का काम हुआ मिलता है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है आपको बालकनी में। तो गाइस अब चलते हैं थर्ड फ्लोर की तरफ और उसके बाद आपको दिखाएंगे टेरेस एरिया। तो अभी हमने जो आपको दिखा दिया मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एक तो आपको हमने बेसमेंट दिखाई जिसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं, जिमनेजियम एंड योर थिएटर विद पार्किंग, 4-5 गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएंगी। फर्स्ट और सेकेंड जो है वो डुप्लेक्स रहने वाला है, बीच में आपको स्टेयर केस मिलती है। नीचे वाले फ्लोर पे 1 बेडरूम, इस वाले फ्लोर पे 2 बेडरूम और इससे ऊपर वाले फ्लोर पे भी 2 बेडरूम आपको मिलने वाले हैं, तो टोटल यहाँ पे आपको 5 बेडरूम मिलने वाले हैं। अब चलते हैं और थर्ड फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप पूरे कोठी में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्लास वर्क है सो दैट नेचुरल लाइट पूरी कोठी में आती रहे। सो
सो गाइज हर फ्लोर का जो लेआउट है वो अलग रहने वाला है। दिस इज द थर्ड फ्लोर, इसमें आपको एक सेपरेट किचन मिलती है। सबसे पहले ये एक एरिया मिलता है, इसमें आप अपना छोटा सा लिविंग या डाइनिंग भी लगा सकते हैं। काफ़ी ह्यूज बड़ी आपको यहाँ पे किचन मिलती है विथ फॉल सीलिंग, और ये आपको एक ओपन एरिया मिलता है, इसको जैसे भी मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी की तरह का है जैसे हमारा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर था, उसी के जस्ट तरह यहाँ पे आपको थर्ड फ्लोर पे भी बेडरूम मिलता है इसी साइड, और ऑलमोस्ट सेम ही साइज़ है, सारी चीज़ें सेम हैं। जैसे आपने नीचे देखा था वार्डरोब मिलती है, टीवी पैनल विद अटैच लैट बाथ, पीछे आपको ओपन मिलता है फॉर वेंटिलेशन। आप थोड़ा मानने वाले तो गाइस इस रूम में भी आपको अटैच लैट बाथ मिलता है। उसके बाद इस फ्लोर पे आपको एक कॉमन में भी लैट बाथ मिलता है, और सामने की तरफ आपको एक और बेडरूम मिलता है। तो आइए अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। तो गाइस ये रहने वाला है इसका कॉमन वॉशरूम। अगर कोई आपकी होम हेल्प है जो किचन में काम कर रहे हैं या व्हाटएवर, जिस भी तरीके से आप यूज़ करना चाहें, मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें हैं, वॉशरूम्स हैं, बेडरूम्स हैं, आप उनको वैसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमने सेकंड फ्लोर पे बेडरूम देखा था, ये बेडरूम भी ऑलमोस्ट उसी के साइज़ का है, थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट है। टीवी पैनल है, वार्डरोब आपको मिलती है, बेड आपको मिलता है, एसी मिलता है, फ़ैन, फॉल सीलिंग, पूरे ही कोठी में आपको हर जगह वुडन का काम मिलता है, फॉल सीलिंग का काम मिलता है। ये लेआउट का पूरा थर्ड फ्लोर का जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब आपको इसके टेरेस पे लेके जाते चलते हैं, जहाँ पे पैराबोला बना हुआ है और पूरा खुला हुआ आपको टेरेस मिलता है इसका। एक अच्छे प्लॉट साइज पे बहुत अच्छी है, पूरी की पूरी डेवलपमेंट है। अगर बाहर भी आप देखेंगे तो जो यहाँ पे स्टेयर केस भी आपको मिलती है, उनमें भी ऊपर पीओपी का काम है। सामने आप देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए पूरा मिरर वर्क किया गया है। यहाँ पे शेयर केस खत्म होती है, यहाँ पे आपको एक और एरिया मिलता है, तो एज अ स्टोरेज अगर आप इसको यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो गाइस जब हम आ गए इसके टेरेस पे, आप ऊपर देखेंगे तो पूरा पैराबोला बना हुआ है, आप इसको कवर भी करा सकते हैं। अपनी कोई सिटिंग बार यहाँ पे बनाना चाहें, अपना बारबेक्यू लगाना चाहें तो वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं। वहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सनसेट का व्यू आपको यहाँ मिलने वाला है। अभी सामने आप देखेंगे तो सनसेट हो रहा है, तो ये व्यू आप हमेशा इंजॉय कर सकते हैं अगर आप ये वाली कोठी लेते हैं तो। और अगर लेंथ में भी देखेंगे तो काफ़ी बड़ा जो है आपका ओपन टेरेस एरिया आपको मिलता है। सो गाइज ये थी एक पूरी 5500 स्क्वायर फीट की कोठी जो हमने आपको दिखाई। जो भी आपने इसमें देखा, सारी चीजें आपको फ्रॉम द ओनर साइड प्रोवाइडेड हैं। आप वो सारी चीज़ें इस कोठी के साथ खरीद सकते हैं। बिल्डर जो इसको सेल करना चाह रहे हैं वो ऐसा का ऐसा ही करना चाह रहे हैं। अगर आप नोएडा में कोई कोठी देख रहे हैं तो दिस कैन बी योर प्रॉपर्टी गाइस। वी आर फ्रॉम एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। हमारी ये पहली वीडियो है, एक्सक्लूसिव ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, पहली कोठी की वीडियो आज हम बना रहे हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, वेदर प्लॉट साइज को लेके, वेदर रेट को लेके, लोकेशन को लेके, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। विजिट के लिए आप एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी की टीम को हमेशा की तरह कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गाइस ये मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल अस, व्हाट्सएप अस। दिस वाज योर होस्ट सौरभ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।